नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड में भी अब सरकार का बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर चलना शुरू हो चुका है। हरिद्वार में कई इलाकों में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि सुबह सुबह करीब 11 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर हरकी पैड़ी इलाके में पहुंची, जहां दुकानों के आगे सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। वहीं व्यापारियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस ने कहा है कि प्रशासन ने पहले ही हरकी पैड़ी इलाके में व्यापारियों को आगाह कर दिया था कि बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन व्यापारियों ने दुकानों के बाहर सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है, वो समय रहते अपना अतिक्रमण या तो खुद हटा ले, वरना प्रशासन बुलडोजर से उसे ध्वस्त कर देगा। प्रशासन का अभियान जो है बिना सोचे समझे साजिश ही है। आप देखिए रोड़ी रेल वाला की क्या स्थिति है, हरिद्वार के अंदर यात्री पहुंच नहीं पा रहा, और जहां पे बिल्कुल सफाई है, कोई दिक्कत नहीं है, दुकानदार अपने सहयोग करता है, उनको तंग करने का काम किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और प्रशासन का हम हर तरह सहयोग करते आए हैं, जब भी प्रशासन ने हमसे सहयोग मांगा हमने अपने आप करा है, प्रशासन को कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। आज प्रशासन क्या कर रहा है, जेसीबी लेके घूम रहा है, उसका क्या फायदा, बेनिफिट क्या है उसका, आप बताइए। कहीं आपको एंक्रोचमेंट दिख रहा है, आप देखिए नाली से नाली बिल्कुल खाली है। अब स्कूटर आ रहा है, आपने पार्किंग की व्यवस्था आज तक हमारे लिए नहीं करी। कहीं आप बताइए हरकी पैड़ी के आसपास कहीं पार्किंग की व्यवस्था है, व्यापारी बेचारा अपना स्कूटर कहाँ खड़ा करेगा, कहाँ गाड़ी खड़ी करेगा। आप और जगह देखिए मल्टी स्टोरी पार्किंग है, हमारे यहाँ पूरा पहाड़ खाली पड़ा है, आज तक यहाँ पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं कराई गई। इतनी बढ़िया यहाँ लिफ्ट लगा के, शिमला में देखिए कितना बढ़िया काम है कि लिफ्ट लगाते हैं, ऊपर पार्किंग है, नीचे मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी चाहिए, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से यात्री परेशान होता है और ये हम लोगों को तंग करते हैं। और जब भी यात्रा सीजन आता है, जिस तरह से हम अपने व्यापारी से भी अपील करते हैं कि कोई भी अतिक्रमण किसी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम भी प्रशासन के साथ हैं, परंतु प्रशासन को भी यह सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता। रोड़ी बेल वाले में 10,000 दुकानें लगी हैं, जो पक्की दुकानें जो टैक्स देते हैं उनके पास 4,000 दुकानें, और जो बिना कोई बिजनौर से आ रहा है, कोई सहारनपुर से आ रहा है, उनकी 10,000 दुकानें लगी हैं। कोई अभियान से पहले कोई सूचना दी गई? कोई सूचना नहीं दी गई, सिर्फ इन्होंने आज सुबह एक मुरादी कराई है, उसके अलावा इन्होंने कोई सूचना दी नहीं, बल्कि व्यापारियों ने अपनी तरफ से सूचना कराई है कि आप सब लोग कोई भी एंक्रोचमेंट हो अपना हटा लें। देखिए 2 साल से तो वैसे ही कोरोना काल चल रहा था और व्यापारी बहुत त्रस्त था, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। आज यात्रा थोड़ी सी खुली है, लोग यहाँ पर आना शुरू हुए हैं, और इस तरह से प्रशासन जो डंडा चला रही है बहुत ही गलत बात है, कहीं ना कहीं व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार है। देखिए आज कहीं ना कहीं अपनी आजीविका के लिए व्यापारी जो है वो अपनी दुकानों में काम के लिए तैयार है, खड़ा है, लेकिन इस तरह से आज यहाँ पे बाजार जो है यात्रियों से भरे हुए हैं और इनका डंडा जेसीबी चल रही है, ये प्रशासन का बहुत ही गलत रोल है। और ना ही कोई पहले सूचना दी गई, ना ही कुछ बताया गया, इस तरह से इनके ऊपर छजलियाँ तोड़े, क्योंकि नाली से नाली तक तो यहाँ पर साफ है। देखिए हल्का फुल्का दुकानदार जो है अपनी दुकानों के बाहर अगर सामान लगा रहे हैं तो उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जो आज जो प्रशासन के द्वारा इस तरह से जेसीबी चलाना, बुलडोजर चलाना, ये एक बहुत ही दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम है। यूपी में जो बुलडोजर चल रहा था, बाबा बुलडोजर चला रहे थे, सब लोग तारीफ कर रहे थे, आज यहाँ चल रहा है तो विरोध कर रहे हैं। देखिए वो बुलडोजर चल रहा था अपराधियों के ऊपर और ये बुलडोजर चल रहा है एक सामान्य व्यापारियों के ऊपर, तो इस चीज़ में फ़र्क है। अपराधियों को ख़त्म करना एक अच्छी बात है, लेकिन जो व्यापारी है, सामान्य व्यापारी है, उनको त्रस्त करना जो है वो दिक्कत वाली बात है। नहीं देखिए, जो डीएम सर के डायरेक्शन है तो उसके क्रम में पूरा डिस्ट्रिक्ट में इंक्रोचमेंट जो जो डिपार्टमेंट है उनको सभी को चिन्हीकरण के डायरेक्शन दिए गए हैं। उसी क्रम में सिंस 2 वीक्स से इंक्रोचमेंट चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है, और आपका ये हरकी पैड़ी है, भीमगोड़ा है और कोतवाली के पास का जो एरिया है, इसका 2-3 दिन पहले इसका डिमार्शन किया गया था, इंक्रोचमेंट को अनाउंसमेंट करवाया गया था कि जो भी नाली के जो ऊपर जो इंक्रोचमेंट किया गया है उसको खुद ही व्यापारी रिमूव कर दें। तो कुछ लोगों ने इनिशिएट भी किया है, कई लोगों के द्वारा उसको रिमूव किया गया है, और जिन लोगों के द्वारा रिमूव नहीं किया गया उसको आज रिमूव करने की कार्रवाई की जा रही है। और अच्छी चीज़ है कि सभी व्यापार मंडल इत्यादि के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है, और ये क्लियर मैसेज है जैसा कि डीएम सर का डायरेक्शन है कि इंक्रोचमेंट किसी भी कीमत पर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगर दोबारा होता है इंक्रोचमेंट तब क्या करेंगे? नहीं देखिए, ये फर्स्ट टाइम में ड्राइव स्टार्ट किया गया है, अगर नेक्स्ट टाइम कोई करता है तो उसमें पेनल्टी प्लस FIR दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। आज हरकी पैड़ी से कहाँ तक चलाएंगे पूरा अभियान? नहीं, ये पूरा कोतवाली तक है और अपर रोड है, और अन्य जो जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट को निशानदेही की गई है वहाँ वहाँ आज किया जा रहा है। कुछ व्यापारियों ने तो प्रशासन की इस चेतावनी को गंभीरता से ले लिया और समय रहते अतिक्रमण हटा लिया था। जिन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया था उन पर कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।